हे देयर, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3, वर्क पर एनर्जी फ्रॉम HCV चैप्टर 8। और आज बात करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कल के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात की थी वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, और आप लोगों को वो वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स वाला लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा और ईजी भी लगा होगा। और वहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट एस। डायरेक्ट हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला था और हम लोगों ने वहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। वर्क डन को हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के साथ भी देखा था, वर्क डन को हम लोगों ने एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे रख के भी निकालने की कोशिश की थी, और लास्ट वीडियो में जाते जाते हमने बोला था कि लास्ट वाले क्वेश्चन में, ट्रक वाले क्वेश्चन में, आपको वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स निकालना था विद ग्राउंड फ्रेम भी और ट्रक के फ्रेम में भी। आई होप वो क्वेश्चन आपने किया भी होगा और उसका आंसर भी आप लोग निकाल पाएंगे। चलिए गाइस, तो आज हम बात करने वाले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और अगेन अ वेरी इजी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको बहुत अटेंटिवली लेक्चर को सुनना है। चलिए, तो हमसे बोला गया दिस इज अ ब्लॉक। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में देखना, यहां से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमसे बोला गया दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और फोर्स इज इक्वल टू 2x+2। यहां से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे जैसे एक्स चेंज करता चला जाएगा, फोर्स भी चेंज होता चला जाएगा, यानी फोर्स वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल फोर्स है तो क्या मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये वाला फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट। सर, अगर फोर्स वेरिएबल आ जाए तो? बच्चों, हमें पता है कि हमें वहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम लोगों को चीज़ों को एनालाइज करना है और फिर उनको सम अप करना है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्ट्स को सम अप करने को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ क्लिक ऑन आई बटन, वहाँ से आपको इंटीग्रेशन की वीडियो मिलने वाली है। पहले उसको देखो और फिर फोर्स वाले चैप्टर में, यानी वर्क डन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, हमें इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो वी हैव टू यूज डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम कैसे करते हैं, देखना बच्चों ध्यान से। हमसे बोला गया ब्लॉक इज एट ओरिजिन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। यानी वो 0.0 से 5.0 पर लेके आए हैं उसको डिस्प्लेस कराते हुए, तो कितना वर्क डन किया है इस वाले फोर्स ने। अब सिंपली अगर हम बात करें बच्चों, देखिए वो ब्लॉक इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, फोर्स इधर लग रहा है बच्चों 2x+2। ठीक है ना, और कुछ टाइम के बाद वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर चुका है। लीजिए 5 मीटर। अब हमें यहां से एक चीज समझ में आया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, यानी थीटा तो 0 हो गया क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। चलिए, पहली बात तो थीटा का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब क्या करें सर? देखो बच्चों, जब भी वेरिएबल चीजें आती है ना तो हमें क्या करना है, हमें आपको तरीका समझाता हूं, प्लीज पे अटेंशन। इंटीग्रेशन में भी यही चीजें बताई थी, अभी भी यहां पे एक बार रिकैप कर लेते कि आपको याद हो जाए। इनिशियली ये एक्स इक्वल टू 0 पे था, फिर ये एक्स इज इक्वल टू 5 पे पहुंचा है। ठीक है ना, अब क्या करते बच्चों, हम यहां से ओरिजिन से कोई भी एक्स दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएक्स। डीएक्स, अब ये बताओ ये डीएक्स बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? सर, डीएक्स तो डिफाइन ही इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए होता है, और इनफाइनाइटेसिमल क्या होता है? व्हेन डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, है ना, बहुत 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 छोटे टाइम के लिए डिफाइन होता है। तो ये dx की वैल्यू बहुत छोटी या बहुत बड़ी?
सर वेरी 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 स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली टेंडेंस टू जीरो। तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इसके इस वाले पार्ट को ए बोल देता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं बी बोल देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है डीएक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फोर्स ए पर लगने वाला है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए, वही फोर्स बी पर लगने वाला है। यानी ए से बी तक जो फोर्स की वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है तो मैं यहाँ पर फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, एफ डॉट डी एक्स फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट होगा, और हमने माना कि ये बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं मान सकता हूँ कि ए से बी तक आते हुए फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी देयर फोर फ्रॉम ए टू बी फोर्स इज कांस्टेंट। चलिए, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैं मुझे छोटा सा वर्क डन, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एफ डॉट डी एक्स। ध्यान से सुनो बच्चों, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू जीरो, यानी डी डब्ल्यू इज नथिंग बट एफ डी एक्स कॉस जीरो। कॉस जीरो वन होता है बच्चों, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एफ डी एक्स। चलिए अब देखिए, यहां से ओरिजिन से जैसे जैसे एक्सचेंज हो रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स डिस्टेंस पर जाके फोर्स कितना बना, पुट एक्स की वैल्यू को एक्स पुट कर देंगे तो फोर्स कितना बना बच्चों, डी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू है टू और एक्स मैंने एक्स ही माना है, तो टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों आपको, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू देखिए क्या बनी, डी डब्ल्यू दिस इज नथिंग बट, इसको मैं चाहूं तो ओपन कर सकता हूं बच्चों, टू एक्स डी एक्स प्लस टू डी एक्स। अभी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, डी एक्स, ये भी किसके रेस्पेक्ट में है, डी एक्स। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है। अब सोचो, हमने ओरिजिन से एक्स दूरी पर जाके माना था ना बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट। अब अगर मैं इस एक्स की वैल्यू को वापसी ओरिजिन पे ले आऊं, तो ये एक्स की वैल्यू यहां पे ओरिजिन पे कितना है, जीरो, और फाइनल पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, फाइव। समझ में आया, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो, और यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव, जो कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इनिशियल लिमिट बनी एक्स की जीरो और फाइनल लिमिट बनी एक्स की फाइव। यहां पर भी इनिशियल लिमिट बनी जीरो, यहां पर इनिशियल लिमिट बनी फाइव। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, डब्ल्यू यानी टोटल वर्क डन, दिस इज नथिंग बट टू को बाहर लेके आ जाते हैं। इंटीग्रेशन को सोल्व करने का क्या तरीका बच्चों, अगर हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है, याद कर लीजिए बच्चों, तो इसकी जो भी पावर है उस पावर में एन को एक ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। कंडीशन क्या थी, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों, परफेक्ट। चलिए, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, पावर वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाय टू, लिमिट जीरो टू फाइव, प्लस ये कांस्टेंट है बच्चों, बाहर लेके आ जाओ, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट जीरो से फाइव। चलिए अब अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो टोटल वर्क डन देखो बच्चों कितना आ गया, टू इंटू टू को बाहर लेके आ जाओ बच्चों, फाइव का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस टू इंटू फाइव माइनस जीरो, और ये कितना बना बच्चों, 25 प्लस 10, तो वर्क डन कितना बना बच्चों, 35 जूल। लीजिए बच्चों, दिस इज आर आंसर। यानी इस ब्लॉक को ओरिजिन से लेके 5 मीटर तक डिस्प्लेस कराने के लिए इस वर्क, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट इज 35 जूल। अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको यहां से समझना क्या था बच्चों, जब भी वेरिएबल चीजें आती है ना, वेरिएबल फोर्स, तो हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स को डिवाइड करना है, ये छोटा छोटा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कोई भी बच्चा कहीं पर भी चूज कर सकता है। सोचो विवेक सर ने यहाँ पे चूज किया,
जरूरी थोड़ी ना आप यहाँ पे करेंगे, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे चूज कर ले, इट्स ओके, कहीं पर भी कर लीजिए, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर कर लीजिए, कहीं पर भी चूज कर सकते हैं आप ये छोटा एलिमेंट। और ये छोटा एलिमेंट इतना छोटा है कि इसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जाने में हम बोल सकते हैं कि फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। अगर फोर्स में चेंज नहीं आया होगा तो हम बोल सकते हैं कि ए से बी तक जाने वाला फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट है तो मैं एफ डॉट डी एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। फिर कहाँ पर जाके आपने चूज किया है, एक्स वन पे, एक्स टू पे, एक्स थ्री पे, वहां पर एक्स की वो वाली वैल्यू पुट कर दो आप, तो उस पॉइंट पर उस पोजिशन पे फोर्स पता लग गया। फोर्स पता लग गया आपको, dx आपको पता है, आपने माना है। फिर देखो फोर्स और dx में कैसा एंगल है, दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कोई एंगल बन रहा है, उसके रेस्पेक्ट में रखो, इंटीग्रेट करो और आंसर आ गया। जल्दी बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, वेरिएबल फोर्स का पहला कॉन्सेप्ट, जहां पर देखा गया कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब सर अगर यहां पे फोर्स टाइम का फंक्शन आ जाए तो, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फोर्स चेंज होगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है जिसमें टाइम का फंक्शन आ जाता है, प्योर काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। जितना काइनेमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, और वो 30 रिलेशंस आपको याद होंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आता चला जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें दे दिया गया है कि एफ इज इक्वल टू 2t² और इनिशियली t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। बोला गया फाइंड वर्क डन इन टी नोट सेकेंड। अब ये टी नोट सेकेंड कुछ भी हो सकता है, एक जनरल एग्जाम्पल कर रहे हैं, इट मे बी 2 सेकेंड, मे बी 5 सेकेंड, मे बी 10 सेकेंड, इट मे बी एनी सेकेंड, बात समझ में आई। तो हमसे बोला गया फाइंड वर्क डन। चलिए अब बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या करें, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो अभी भी हमें समझ में आता है कि वर्क डन का फॉर्मूला तो सर अभी भी एफ डॉट डी एक्स ही होने वाला है। अब ध्यान से देखिए फोर्स उस ब्लॉक पे राइट में लग रहा है तो ब्लॉक भी राइट ही डायरेक्शन में चलने वाला है, सिंस एफ एंड डी एक्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफोर एंगल बताइए जल्दी कितना बना बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा बना 0 डिग्री। चलिए जी हमें समझ में आ गया। अब हम अगर बात करें तो इसको ओपन करें, एफ डी एक्स कॉस 0, यानी एफ डी एक्स, यानी एफ की वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों 2t² इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गई गड़बड़, क्योंकि करना किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स के रेस्पेक्ट में, कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। हाँ अगर ये dt होता या ये x का फंक्शन होता है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था ये dx के रेस्पेक्ट में था, x का ही फंक्शन की बनता है, तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहां पर सोचने की बात आई कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है वो सुनिए, स्मॉल वर्क डन जो होगा वो 2t² dx। देखो अगर बच्चे फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, फोर्स इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, तो एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रहा होगा, यानी वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रही होगी, बात समझ में आई ना। तो यहां से हमने सोचा कि अगर मैं इसको dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर दूं, देखो क्यों क्या, क्योंकि मेरे पास t का फंक्शन है तो मुझे somehow dt तो चाहिए तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो मुझे dt लेके आने के लिए क्या करना पड़ा, dt से मल्टीप्लाई, dt से डिवाइड, तो ये dx बाई dt क्या बना बच्चों, तो हमें पता है सर dx बाई dt हमारे पास वेलोसिटी बनी, लेकिन बात यह कि बच्चे वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, इनिशियली 0 थी फिर लगातार चेंज होती जा रही है। तो क्या मैं वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं निकाल पाया, इफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं निकाल पाया, तो देखिए ऑलरेडी टाइम का फंक्शन है, ये वेलोसिटी को भी मैं टाइम का फंक्शन निकाल पाऊंगा, तो dt टाइम के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास अब स्मॉल वर्क डन कितना बना बच्चों, देखना ध्यान से,
2t square v into dt, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी टिपिकल प्रॉब्लम, इजिली सॉल्व नहीं होती, तो आपको अपना कॉमन सेंस, आपको अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा। देखिए तो अब हम क्या करें, ध्यान से सुनो, किसी भी टाइम टी पर एट एनी टाइम टी, जनरल टाइम टी ले लिया बच्चों, एट एनी टाइम टी, किसी भी जनरल टाइम पर क्या आप मुझे इस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन बता सकते हो? आंसर है यस सर। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ बाय एम, ब्लॉक का मास हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई बच्चों, टी टाइम पर फोर्स कितना हो जाएगा 2t square और मास एम, दिस इज एक्सेलेरेशन। अब याद करो बच्चों, एक्सेलेरेशन है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे सर, ए को हम लिख सकते हैं डीवी बाय डीटी, बोलो लिख सकते हैं ना बच्चों, 2t square by m, हमें डीवी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो 2t square by m, डीटी को इधर लेके आ जाओ डीटी। देखिए ध्यान से, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, अगर इंटीग्रेट कर दिया मैंने तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। बोलो समझ में आया बच्चों? फिर एक बार दोबारा पूरी कहानी को समझाता हूँ कि हमसे बोला गया फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और हमें किसी भी टी नॉट टाइम पर वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का जब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि सर जो फंक्शन है वो टाइम का है लेकिन जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है वो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने सोचा कि अगर यहाँ पर डी टी आ जाए तो काम चल जाएगा, बट डी टी को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डी टी लेके आओगे तो डिवाइड भी डी टी से करना पड़ेगा, तो किया, तो ये एक नई टर्म बन गई जिसको हम लोगों ने वेलोसिटी बोला। अब हमारी प्रॉब्लम यह आ गई, हमें वेलोसिटी नहीं पता, बट अगर हम वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल पाए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लिया तो काम हमारा सोल्व हो जाएगा। उसी के लिए हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का यूज किया। आया बच्चों समझ में? अब देखिए क्या हुआ, इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पे देखो लिमिट, इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो, किसी भी जनरल टी टाइम पे पूछा है, किसी भी जनरल टी टाइम पे पूछा है तो वेलोसिटी कितनी वी मान लेते हैं, वी हो गई होगी। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन वी हो गया बच्चों, लिमिट जीरो से वी, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना 2 by m बाहर लेके आ जाते हैं, और अभी अभी देखा है इंटीग्रेशन में पावर को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, पावर में एक ऐड करते और उसी पावर से डिवाइड, यानी ये बन जाएगा टी की पावर 3/3, जीरो से टी। चलिए अपर माइनस लोअर यानी वी माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू 2/3 m और टी की पावर 3-0, तो वी दिस इज इक्वल टू 2/3 m इंटू टी क्यूब। लीजिए बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया हमारे पास। अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया है वेलोसिटी को, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो व्हाट विल वी हैव, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो हमें डी डब्ल्यू का फॉर्मूला देखिए जल्दी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, 2 into t square, वी की वैल्यू को हम पुट करेंगे बच्चों 2/3 m इंटू टी की पावर 3 dt। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक पूछा था, जीरो से लेके टी नोट, टी नोट कोई भी टाइम हो सकता है बच्चों, तो जीरो से टी नोट, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया w। देखिए अब जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर लेके आ जाओ, 2 into 2 4/3 m टी स्क्वेयर टी क्यूब बेस सेम पावर एड यानी इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt, लिमिट 0 से टी नोट। अब बताइए बच्चों क्या ये सोल्व कर लोगे, कैसे करेंगे जल्दी बताइए सर, अब t की पावर 6/6 आ जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से टी नोट, यानी अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो w की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4/3 m कॉन्स्टेंट है, 4/3 m बाहर, इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने तो t की पावर 6/6, लिमिट 0 से t नॉट, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, 4/18 m t नॉट की पावर 6, दिस इज योर आंसर।
बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने फोर्स को वेरिएबल देखा है। एक बारी मैंने फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कर लिया और एक बारी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कर लिया। जब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स था तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये भी एक्स का फंक्शन था और एक्स के रिस्पेक्ट में हमें करना था। लेकिन जब टी का फंक्शन आया तो दिमाग दौड़ा कि भैया ये टी का रिस्पेक्ट में है, ये एक्स है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और टी का फंक्शन आ गया। अब हमें इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है, किसी भी एक क्वांटिटी की टर्म्स में लेके आना है। तो हम लोगों को सोचा डीटी की टर्म्स में ले आते हैं, तो पूरा फंक्शन हम लोगों ने टी के रेस्पेक्ट में बना दिया। देखिए ये पूरा फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में बन गया। अब टी के रेस्पेक्ट में हम इजीली सोल्व कर लेते हैं, और टी के रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि हमसे पूछा टी के ही लिमिट में था कि बताइए टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू टी नोट तक कितना वर्क डन किया उन्होंने। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के रूप में कर लेते हैं। अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वही फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स में कोई भी इशू नहीं होता, हमें केवल और केवल इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता तो थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग पे जोर पड़ना पड़ता है। चलिए देखिए क्या बोला गया, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। हमसे बोला गया वर्क डन निकालिए व्हेन दिस पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू प्लस ए से लेके एक्स इक्वल टू टू ए, यानी हमें इसको एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू टू ए तक डिस्प्लेस कराना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ब्लॉक यहाँ पर था बच्चों, इस पे एक फोर्स लगा, फोर्स की वैल्यू है बच्चों एफ, दिस इज इक्वल टू माइनस के बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है चलो, तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है भैया, डन। फोर्स भी मान लेते इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर जो हमने माना आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो हमने माना वो सही माना। ध्यान से सुनना, हम क्या मान के चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में है और हमने ये मान लिया फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। अब सुनो, हमारे अकॉर्डिंग वर्क डन क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव आया तो जो फोर्स की डायरेक्शन हमने मानी है वो सही मानी है, ठीक है। और अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया, अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन हमने मानी है वो उस डायरेक्शन में ना लग के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बस सिंपल, कहीं पर भी कंफ्यूजन होना आपको कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपनी एक डायरेक्शन को मान लो, उस डायरेक्शन को रखते हुए ना वर्क डन कैलकुलेट कर लो। अगर वर्क डन पॉजिटिव आ गया तो जो आपने माना वो सही माना, लेकिन अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया तो आपने जो माना ना बस उसके ऑपोजिट कोई भी फोर्स या डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। चलिए अब हमने मान लिया कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो थीटा की वैल्यू देखो यहां से कितना है बच्चों, थीटा की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, अब दोबारा से वही स्मॉल वर्क डन, दिस इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस जीरो, परफेक्ट। चलो बच्चों, अब यहां से वर्क डन आ गया, एफ की वैल्यू देखिए बच्चों, एफ की वैल्यू है बच्चों माइनस के बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और बोला गया के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, इट मे बी 1, 2, 3, 4, इट मे बी एनी नंबर। चलिए तो यहां से देखना बच्चों, अब लिमिट देखिए एक्स की वैल्यू को कहां से कहां, एक्स की वैल्यू इनिशियल ए से लेके टू ए तक शिफ्ट करनी है हमें, तो एक्स की वैल्यू यहां पे ए रखेंगे, यहां पे टू ए रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब देखना क्या हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना बना बच्चों, माइनस के बाहर लेके आ गए एक्स की पावर टू है बच्चों, ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब लिमिट देखिए एक्स की वैल्यू यहां ए और यहां 2a। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं, w दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे माइनस टू प्लस वन, माइनस वन माइनस माइनस प्लस कैंसिल, मतलब प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय वन, दिस इज इक्वल्स टू x की पावर माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, तो वन बाय एक्स। ठीक है बच्चों, यहां पर a यहां पर 2a। चलिए तो दिस इज इक्वल टू k अपर लिमिट यानी वन बाय टू ए माइनस वन बाय ए। ठीक है बच्चों, एलसीएम कितना आ गया 2a, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 2a, तो k दिस इज इक्वल टू
एलसीएम 2a आ गया। डन बच्चों, तो यहाँ पर कितना बनेगा बच्चों 1 और यहाँ पर कितना बनेगा बच्चों -2। तो देखना ये आंसर कितना आ गया बच्चों -k/2a। -k/2a का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन नेगेटिव आया है। पहली बात, वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। तो ये हमें यहाँ क्वेश्चन देख के भी समझ में आ गया कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ एक्स, यानी अगर आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करा रहे हो ना तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन वैसे भी नेगेटिव आना था। बट अगर हमें नहीं पता तो हमने मान लिया ना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको रखते हुए आप लोगों ने वर्क डन निकाल दिया। अब वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव। तो आपने माना था फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो इसी डायरेक्शन में रही है ना, ए से टू ए, यानी डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, फोर्स में कंफ्यूजन थी आप लोगों को, तो फोर्स आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लिया, तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए था, नहीं आया, वर्क डन नेगेटिव आया। तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स रियलिटी में ऐसे नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो समझ में आया यहाँ से? और एक नया कॉन्सेप्ट भी क्या समझे कि अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो अपनी एक हाइपोथेटिकल, अपनी एक इमेजिनरी डायरेक्शन मान लो। अगर आपने उस डायरेक्शन को मानते हुए जो भी आंसर निकला वो पॉजिटिव आया है, तो इट मीन्स जो आप लोगों ने डायरेक्शन मानी वो सही मानी। इन केस अगर वो नेगेटिव आ गया तो बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्शन को चेंज करना, बिल्कुल 180 डिग्री पर रोटेट कर देना, दैट्स इट। चलिए अब ये देखिए बच्चों, अगेन वही सेम क्वेश्चन कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ इतना है और हमें एक्स की वैल्यू 1 मीटर से 2 मीटर तक कैलकुलेट करना है। चलिए जी कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर भी? एफ डॉट डी एक्स। अब यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी थीटा की वैल्यू 0। चलिए जी थीटा की वैल्यू 0 करते हैं बच्चों। तो डी डब्ल्यू कितना बना बच्चों? एफ, एफ की वैल्यू 2 + x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो बच्चों। इंटीग्रेट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में x का फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिमिट कहाँ से कहाँ? x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2। तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 × dx + x × dx। लिमिट 1 से 2 1 से 2। चलिए बच्चों देखिए क्या है आंसर। w दिस इज इक्वल टू 2 बाहर लेके आ जाओ dx का x, तो 2 बाहर लेके आ गए बच्चों dx का x, लिमिट 2 to 1 प्लस x dx, x की पावर 1 है बच्चों, 1 + 1 2/2 यानी x² / 2। लिमिट बेचे कहां से कहां है? 1 से 2 यानी 1 to 2। चलिए तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों? 2 × upper limit - lower limit यानी 2 - 1 + 1/2 बाहर लेके आ जाओ बच्चों x की पावर यानी 2 की पावर 2 यानी 4 - 1, ठीक है ना। चलिए आंसर देखिए कितना आया, 2 + 3/2 यानी 7/2 जूल। जो भी आंसर आया दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया बच्चों? परफेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए बच्चों अब आप लोगों का सबका फेवरेट टॉपिक आ गया ग्राफ। याद है ग्राफ क्या क्या चीज़ें देता था? ग्राफ 2 चीज़ें प्रोवाइड करता था, 1 इज़ एरिया, 1 इज़ स्लोप। लेकिन यहाँ पर हमें एरिया अंडर fs कई बारी s डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर देते, कई बारी x से रिप्रेजेंट कर देते, तो वन एंड द सेम थिंग। तो बोला कि एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन देगा। अब एरिया हमें आना चाहिए। अब एरिया के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बच्चों हमारे पास कोई भी एक f एज अ फंक्शन ऑफ x, ध्यान रखना f भी x का फंक्शन होना चाहिए और यहां पर x के रेस्पेक्ट में मैं ग्राफ बना रहा हूं। और ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मान लो कि हमारे पास जो ये फोर्स है ये ऐसा है, वेरिएबल फोर्स है। अब कैसे करते थे बच्चों, हमें एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए। किस किस का? एफ फोर एक्स। देखिए वर्क डन को क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डन इज नथिंग बट एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। चलिए बात कर स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करते थे हम लोग, अगर ये ओरिजिन मान लिया हमने 0, 0, ठीक है, तो हम क्या करते थे बच्चों, जो कि हमें पता लग रहा है फोर्स वेरिएबल है, कभी फोर्स की वैल्यू कुछ कुछ, कभी कम कभी ज्यादा, इट मे बी एनीथिंग। तो हम क्या करते थे, एक्स दूरी पर जाकर एक छोटी सी डी एक्स की स्ट्रिप लेते थे। याद करो इंटीग्रेशन, याद आएगा
एक स्ट्रिप ले ली हम लोगों ने, ये वाली स्ट्रिप, और ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी dx। अब इस स्ट्रिप पे उस टाइम पर फोर्स कितना रहा होगा, मान लो F1 मैंने मान लिया, चलिए कितनी दूरी पर जाकर, X1 पर जाके, ठीक है। अब एक बच्चा बोला कि सर मैं तो नहीं लूंगा यहां पे, मैं तो यहां पे लूंगा X2 पर जाके। मैंने बोला कहीं पर भी ले लो बच्चों, X2 पर जाके उन्होंने यहां पर एक स्ट्रिप ली, ये वाली, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बच्चों। और इस स्ट्रिप के कोरस्पोंडिंग जो फोर्स था, मान लो वो फोर्स है अब F2, ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर मैं तो यहीं ले लूँ ना। मैंने बोला कहीं पर भी ले ले बच्चे, मर्जी आपकी है। उसने X2 पर जाके या X3 पर जाकर एक dx का एलिमेंट ले लिया, dx, और उसके कोरस्पोंडिंग फोर्स देखा F3। अब जो बात सोचने की है वो देखना, क्या ऐसे ऐसे dx के यहां पर कितने भी एलिमेंट लिए जा सकते हैं? आंसर है यस। और उन सभी dx के एलिमेंट को ऐड करता चला जाऊं तो क्या यहां से लेके यहां तक एरिया अंडर दिख करवा जाएगा? परफेक्ट, क्योंकि बेसिकली यहां से लेके यहां तक बच्चों, अगर मैं बात करूं x की वैल्यू 0 से लेके इनिशियल लिमिट यहां से लेके, और ये x की वैल्यू x मान लेते हैं हम लोग, तो ऐसे कितने स्ट्रिप्स बना सकते हैं? सर अनेकों स्ट्रिप्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना सकते हैं। और उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दो, बताइए, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये तो नहीं हो पाएगा सर। सोचो एक बच्चा 100 स्ट्रिप्स बनाएगा, एक बच्चा 1000 स्ट्रिप बनाएगा, एक बच्चा 1,00,000 स्ट्रिप बना गया, एक बच्चा तो पागल ही हो गया, उसने 10 करोड़ स्ट्रिप बनाता चला गया, और 10 करोड़ बनाते बनाते वो राम जी को प्यारा हो गया, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बोला इसके तो और टुकड़े करते चले जाओ। तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, जिसने 100 स्ट्रिप्स बना के एरिया निकाला है, जिसने 1000 स्ट्रिप्स बना के एरिया निकाला है, या जो 1 करोड़ 10 करोड़ निकाल के एरिया निकाला है? जो जितनी ज़्यादा स्ट्रिप्स करेगा ना बच्चों, वो उतना ही एक्यूरेट होने वाला है, बट उसके लिए प्रोसेस बहुत लेंदी है। तो हम लोग ने इंटीग्रेशन का यूज किया था। अब क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, कि एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लो, और ये एक स्ट्रिप कैसी बनेगी बच्चों, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, देखना ये एक स्ट्रिप क्या बनी बच्चों, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हमें आता है, ये इसकी विड्थ हो गई dx, ये इसकी लेंथ हो गई बच्चों हमारे पास, और लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। तो एरिया कितना बना बच्चों, f छोटा सा एरिया dA, क्या बना बच्चों, f इंटू dx, और f इंटू dx तो क्या होता है, वर्क डन। तो यही लिखा है हम लोगों ने, वर्क डन इज एरिया अंडर fs और fx कर्व। बात समझ में आ गई कि f और x के बीच का कर्व का एरिया अंडर, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा बच्चों, वर्क डन, क्या देता है बच्चों, वर्क डन। ये बात समझ में आई? अब बहुत बेसिक सा फंडा है, देखो कैसे, अगर हमारे पास एक f और x का फंक्शन गिवन है, ध्यान से सुनना, f और x का फंक्शन गिवन है, मान लो ये 10 न्यूटन है बच्चों, यहां पे x की वैल्यू 0, यहां पे x की वैल्यू 2, यहां पे x की वैल्यू 4, अच्छा x इज इन मीटर एंड फोर्स इज इन न्यूटन। हमसे बोला गया फाइंड आउट द एरिया या फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4। तो कुछ नहीं करना, हमें एरिया अंडर f एंड x निकालना है। तो f और x के बीच का ये एरिया, अब देखना बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, अगर हम ध्यान से देखें तो या तो आप ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना, या हम क्या कर सकते हैं कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बना, इसका एरिया A1 बोल दूं, एक ये हमारे पास ट्रायंगल बना, इसका एरिया हम लोग A2 बोल देते हैं, जो कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, A1 प्लस A2, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां निकाल चुके हैं कि एरिया अंडर द कर्व ही क्या होता है बच्चों, वर्क डन। बोलो समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसका एरिया बताइए बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया A1, A1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10 × 2 यानी 20 जूल। इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रायंगल यानी A2
हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया बच्चों 4 माइनस 2 2, इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी बच्चों 10, तो ये 10 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बच्चों A1 प्लस A2 हाउ मच 30 जूल। और ऐसे बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, अगर ग्राफ आते होंगे तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं लगने वाले। बात समझ में आई बच्चों कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स आ जाए, ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, ये हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब देखना एक्स की अलग अलग, जीरो पे भी 10, वन पे भी 10, टू पे भी 10, तो यहां तक फोर्स कांस्टेंट है ठीक है, लेकिन यहां तक डिक्रीज हो रहा है बट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दिया। बात समझ में आई बच्चे पक्का। अब सोचो आपके पास अगर कोई ऐसा फोर्स आ जाए, उसी को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं आपको, ये ठीक है, मान लो ये वाला लिमिट है हमारे पास एक्स ए और ये वाली लिमिट है हमारे पास एक्स बी, तो वर्क डन को कैसे लिखेंगे? फिर वही छोटी सी स्ट्रिप्स मान लेंगे बच्चों एक्स पे जाके, एक्स पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप्स मान ली डीएक्स, और डीएक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ आ गया हमारे पास। तो छोटा सा वर्क डन कितना आया बच्चों? छोटा सा वर्क डन आया सर हमारे पास एफ इंटू डीएक्स। अब डीएक्स की लिमिट देखो, डीएक्स की लिमिट यहां से लेके यहां तक है भैया, यानी एक्स ए से लेके एक्स बी तक है, ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ गया। अब दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे और फिर आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। चलिए बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, आपको करने का तरीका बताता हूँ, फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। बोला गया कि एफ और एक्स का ग्राफ हमें गिवन है ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये ग्राफ है हमारे पास, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस टू से टू तक, यानी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालो और फिर यहां से यहां तक वर्क डन निकालो। चलिए अब हमें सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए एरिया अंडर द कर्व किसका एरिया बच्चों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देखो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, माइनस टू से जीरो की तरफ, तो हमें यह वाला एरिया चाहिए ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और यहां पर ये वाला एरिया चाहिएगा। चलो इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, नेट एरिया क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, दैट्स इट। नेट पूछा नहीं है बट इंडिविजुअल पूछा है, तो चलो करते हैं। अब बताइए बच्चों ये एरिया कैसे निकाले सर, ये तो एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो A1 का एरिया क्या हो गया बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ को हाफ लिखा रहने दो, बेस, अब बेस क्या बच्चों, इनिशियल फाइनल, माइनस टू से टू जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जीरो माइनस माइनस टू, ध्यान से सुनना, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों ये, और ये हाइट कितनी है माइनस 10, हाइट आ गई माइनस 10, देख लीजिए आंसर कितना है बच्चों, 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 10, यानी माइनस 10 जूल। और हमें समझ में भी आ रहा है नीचे का है तो भैया नेगेटिव जाएगा। चलिए इधर देखिए, तो A2 की बात कर लेते हैं अब हम लोग, A2 भी एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों हमारे लिए, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 एज इट इज रखा रहने दो बच्चों। अब बेस देखना, बेस ये बच्चों, तो 2 फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0 यानी 2 माइनस 0 इंटू हाइट, देखो बच्चों हाइट 10 आ गया बच्चों, तो ये कितना आ गया 10 जूल A2। अगर हमसे टोटल पूछ ले कि माइनस 2 से 2 तक जाने में कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों A1 प्लस A2, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे बच्चों,
तो माइनस 10 जूल प्लस 10 जूल दिस इज इक्वल टू 0। लो जी, बात समझ में आई बच्चों? चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस ये लिखने का तरीका बता रहा था कि इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, आया बात समझ में? अब हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा। चलिए बच्चों, तो अब हमसे फिर वही बेसिक क्वेश्चन। अब इसमें क्या नया है बच्चों? आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो हमसे बोला गया, बताइए वर्क डन निकालिए माइनस 4 से 4, यानी यहाँ से यहाँ टोटल वर्क डन निकालना है। तो आपको टोटल एरिया निकालने आने चाहिए। एक तो एरिया ये बना बच्चों हमारे पास, लेट्स से A1, एक एरिया ये बना बच्चों हमारे पास, दिस इज A2, एक एरिया ये बना हमारे पास बच्चों A3, और एक एरिया हमारे पास ये बना A4। सभी शेप्स आपको पता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर ट्रायंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल। चलो जल्दी निकालते। देखिए, अभी ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 10 गिवन है, और ये वाली वैल्यू भी मान लेते हैं माइनस 10 गिवन है, ठीक है। चलो A1 निकालते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? A1 इज नथिंग बट, सभी बच्चे बोलेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना बच्चों? माइनस, माइनस 4 से 4 जा रहे हैं तो फाइनल ये है माइनस 2 माइनस माइनस 4, माइनस 2 माइनस माइनस 4 इंटू हाइट कितनी है बच्चों? माइनस 10, ठीक है। अब देख लीजिए कितना है भाई, 1/2 माइनस 2 प्लस 4 यानी 2 इंटू 10 माइनस का, ये तो वही आ गया माइनस 10 जूल, ठीक है। इसके बारे में बात करो बच्चों, A2 के बारे में बात करें, हाफ इंटू, अब देखिए फाइनल ये आ गया 0 से 2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2, तो इंटू 2 इंटू 10, हाइट 10 है बच्चों, ये A2 कितना आ गया बच्चों? 10 जूल। चलिए A3 की बात कर लेते हैं बच्चों, A3 कितना आ जाएगा बच्चों? मतलब बेस 2 इंटू हाइट यानी 20 जूल, 2 इंटू 10 यानी 20 जूल, और A4 कितना आ गया बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू बेस, बेस 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन 10 जूल। चलिए, तो टोटल एरिया निकालना है बच्चों, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। देखो, माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 10, 10 10 विल कैंसिल आउट, आंसर आ गया 30 जूल, दिस इज योर आंसर। चलिए बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हो हर एक क्वेश्चन, तो कल का टॉपिक हम बात करने वाले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ध्यान से सुनना बच्चों, कल का टॉपिक वर्क डन के रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कर वाले का करना, वेरिएबल पे करना, कांस्टेंट पे करना, वर्क डन निकालना। HC वर्मा के क्वेश्चंस आपको सेंड कर देता हूँ, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम लगाने की कोशिश करना। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।